हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप हमारे साथ नई नई चीज़ें रोज़ डेली ट्यूशन क्लास में सीख रहे हो। मैं आपको बता दूं, मेरा चैनल का नाम रिवाइज एकेडमी है, जो कि एक यूट्यूब चैनल है। आप यहां पर मेरे साथ डेली ट्यूशन क्लास ऑनलाइन पढ़ते हो और मैं आपको अभी तो हिंदी ग्रामर की नई नई चीज़ें सिखा रहा हूं। आज हम ट्यूशन में क्या सीखेंगे? आज हम मुहावरे सीखेंगे। मुहावरे बहुत अच्छी चीज़ हैं। हम ऐसे शब्द कहते हैं जो ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और सुंदर शब्द से बना होता है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है और मुहावरे में आज हम मुहावरों के अर्थ भी सीखेंगे और उनके वाक्य कैसे बनाएं ये भी सीखेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आप उनको याद कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। याद रखने की एक ही टेक्निक है, डेली रिवाइज़ करना। और रिवाइज़ किसके साथ करना? रिवाइज़ एकेडमी के साथ करना। तो बिल्कुल आसान है। रिवाइज एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना तो ये आपके लिए अच्छा ही है, आप कीजिए ज़रूर। चलो स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या सीखेंगे? मुहावरे। तो हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है, मुहावरे। तो यहाँ पे मैं आपको कई सारे मुहावरे लिखवा रहा हूँ, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए और मैं अर्थ भी बताऊंगा उन मुहावरों के और वाक्य भी लिखवाऊंगा। तो पहला लिखिए, पहला लिखो, मैं मुहावरों को रेड कलर से लिख रहा हूं और उनके अर्थ को ब्लैक कलर से लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मुहावरे होंगे एक कलर में लिख लेता हूँ। पहले मैं इसको ओमिट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मुहावरे में लाल रंग से लिखूँगा, ठीक है। और उनके वाक्य में ब्लैक पेन से अर्थ, यहाँ पे अर्थ लिखेंगे हम। अच्छा ठीक है, पहले हम अर्थ लिखते हैं। यहाँ पर अर्थ को हम ब्लू पेन से लिखते हैं ताकि अच्छा लगे। जो अर्थ होंगे वो हम ब्लू यानी कि नीला, नीला यानी कि नीले रंग से लिखेंगे, नीले रंग से लिखेंगे या फिर लिखूंगा। देखो एक बैक करने दो, यहाँ नीले रंग से लिखूंगा। और आपको बता दूं, उनके वाक्य जो होंगे वो हम ब्लैक पेन से लिखने वाले हैं, वाक्य जो हैं वो काले रंग से, काले रंग से लिखूंगा। बिल्कुल आसान, मैंने आपको बता दिया डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप, कि रेड कलर से क्या लिखे जाएंगे मुहावरे, उनका अर्थ किससे लिखा जाएगा नीले रंग से, और वाक्य किस रंग से लिखे जाएंगे काले रंग से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला लिखते हैं हम, पहला लिखो, आसमान सिर पर उठाना, आसमान सिर पर उठाना। अब इनके हम क्या लिखेंगे? अर्थ लिखने की कोशिश करेंगे। तो इनका अर्थ क्या है? बहुत शोर
करना, ठीक है, बहुत शोर करना। अब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, वाक्य, वाक्य लिखते हैं यहाँ पर। वाक्य बनाओ एक, एक पौधा, पौधा की जगह हम कौवा लिख लेते हैं, एक कौवा घायल पड़ा था। मैं बिल्कुल धीरे धीरे करवाता हूँ ताकि आपको इसे लिखने में और सोचने में नई नई चीज़ें यहीं पर याद करने में आसानी हो। अगर आप लिखते लिखते याद करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा, यानी कि आपके पास टाइम बचेगा, आप और भी आपके होमवर्क जो होंगे उन्हें आप कर पाओगे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूँ ताकि आप यहीं पर याद कर लो। तो उसे देख सारे को ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो ये मैंने क्या बना दिया, उसके वाक्य बना दिए। तो इस तरीके से हम आगे भी लिखते जाएंगे, तो बिल्कुल आसान है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वाक्य हैं आपको ज़रूरी नहीं है यही याद करने हैं, आप वाक्य खुद से भी बना सकते हो। तो वाक्य इनके अनेक हो सकते हैं, और अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप इन वाक्य, कम से कम एक वाक्य जो मैं लिखवा रहा हूँ उन्हें याद तो कर ही लो, ठीक है। तो हमने पहला कर लिया, दूसरा करते हैं। तो दूसरा लिखो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका क्या होगा भाई अर्थ, तो अर्थ लिखो, अक्ल पर, इसका अर्थ लिखवाते हैं। तो इसका अर्थ लिखो, बुद्धि, बुद्धि खराब होना। तो बिल्कुल आसान है, अक्ल पर पत्थर पड़ने का क्या मतलब है, बुद्धि खराब होना, यानी कि बिल्कुल दिमाग ही ना आना। अब इसका लिखते हैं वाक्य, वाक्य बनाते हैं, परीक्षा के दिनों दिनों में भी रमन मेहनत नहीं कर रहा, उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। तो देखो कितना आसान है, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, मुहावरे लिखते जाना है। तो अगला लिखते हैं थर्ड लिखो, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ लिखो, साफ मना करना,
साफ मना करना। अब वाक्य बनाते हैं इस पे। तो वाक्य बनाओ इस पे, राघव सबसे अपने काम करवाता करवाता है अगर उससे कुछ करने को कहो तो अंगूठा दिखा देता है। तो बिल्कुल सिंपल से वाक्य हैं, या आप दो तीन बार पढ़ोगे तो आपको याद तो हो ही जाएंगे। तो देखो कितना आसान है। आगे और करते हैं, हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ का लिखो, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का वाक्य अर्थ बताओ पहले। अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना, सिंपल है एकदम। अब वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। वाक्य बनाओ इसके ऊपर, आनंद तो यहां कभी आता नहीं, जरूर अपना उल्लू सीधा करना, करने के लिए लिखती हैं, करने के लिए आया होगा। तो एकदम सिंपल है। आनंद तो यहाँ कभी आता नहीं, जरूर अपना उल्लू सीधा करने के लिए आया होगा, यानी कि अपना मतलब निकालने के लिए आया होगा। एकदम सिंपल सा है। तो मैंने फोर्थ लिखवा दिया आपको, सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ वन बाय वन। फिफ्थ लिखो, इसमें हम लिखेंगे इस मुहावरे का अर्थ बताओ। ये तो सारा याद होगा आपको, लिखो इसका। आँख का तारा, आँख का तारा, इसका अर्थ बताओ। ये तो बहुत आसान है, बहुत प्यारा, बिल्कुल सही। अब इस पे वाक्य बनाने की कोशिश करें हम। वाक्य बनाओ इस पे, राघव ने हमेशा मुसीबत में सबको सहारा दिया है इसी कारण वह सबकी आँखों का
तारा है, एकदम आसान है, ठीक है ना, एकदम इजी इजी वाक्य भी हैं और मुहावरे और उनके अर्थ तो बिल्कुल आसान है ही। अगला करने की कोशिश करते हैं, तो अगला लिखो, अभी हमने कौन सा नंबर किया था, फिफ्थ सिक्स्थ लिखो। इस तरीके से हमें काफ़ी करने हैं, तो सिक्स्थ लिखो यहाँ पर। आकाश से बातें करना, रेड कलर से लिखना था ये हमें। आकाश से बातें करना, इसका अर्थ क्या होगा, पहले अर्थ बताओ। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, बहुत ऊंचा होना, वाक्य बनाओ इसमें। शहर में जिस ओर देखो देखो हर तरफ आकाश आकाश से बातें करती इमारतें हैं। तो बिल्कुल आसान है। अगला लिखते हैं हम सेवेंथ, तो सातवां लिखो मुहावरा, उल्लू बनना। अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप मेरे स्पीड को 1.25 टाइम्स कर लीजिए तो आपको और आसान लगेगा, ठीक है। अगला लिखो, उल्लू बनना यानी कि मूर्ख बनना। तो यहाँ पे इसका वाक्य लिखते हैं हम, माँ ने राकेश को समझाया, मेहनत किया करो, तुम्हें हमेशा उल्लू बनना क्यों पसंद है? ठीक है, बिल्कुल सही है। आठवां लिखते हैं, इसमें हम कौन सा लिखने वाले हैं मुहावरे, तो इसमें लिखते हैं उंगली उठाना। इसका अर्थ लिखते हैं, उंगली उठाने का मतलब होता है दोष लगाना। दोष लगाना, वाक्य बनाओ। अपनी गलतियों पर ध्यान दो, दूसरे पर
उंगली, उठाना गलत है। बिल्कुल सही है वाक्य का हमने बनाया है। जो नाइन्थ लिखो, कमर टूटना। इसका अर्थ क्या है कमर टूटने का? यहाँ लिखो बहुत थकना। इस पे वाक्य बनाते हैं हम। आज सारा दिन काम करके मेरी तो कमर टूट गई है। तो बिल्कुल आसान मैंने वाक्य बनाया है। अगला बनाते हैं हम। अगला लिखो 10। इसके अंदर हम कौन सा वाक्य लिखने वाले हैं, मुहावरे? तो अगला मुहावरा लिखो कान पकड़ना। तो यहाँ पे लिखो माफ़ी मांगना। वाक्य बनाए इस पे वाक्य बनाओ। मैं कान पकड़ता पकड़ता हूँ आगे से गलती नहीं होगी। तो बिल्कुल इजी है। 11th लिखो, इसमें लिखो कमर कसना। यहाँ पे लिखो इसका अर्थ क्या है, तैयार होना। इस पे वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य बनाने में टाइम लगेगा, तो वाक्य बनाओ इसमें। इस बार रोहन पब्लिक स्कूल को मैच में हराने के लिए हमने कमर कस ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाक्य बनाया, बहुत सही है। लिखो अगला। 11 के बाद क्या आएगा, 12। 12 लिखो कान भरना। इसका अर्थ लिखते हैं पहले। इसका अर्थ है शिकायत करना। वाक्य बनाते हैं। यह मॉनिटर
अजीब है, हमेशा बच्चों को के बारे में अध्यापिका के कान भरता है। तो बिल्कुल एकदम सही वाक्य है। 13 लिखो मुहावरा, 13 में चंपत होना, चंपत होना। चंपत होना, इसका अर्थ लिखो। रुकावट रुकावट डालना। इस पे वाक्य बनाए। पुलिस को देखते ही डाकू चंपत हो गए। अगला लिखो 14। इसमें लिखो मुहावरा, टांग अड़ाना, टांग अड़ाना। रुकावट, अच्छा इसके अंदर रुकावट नहीं था, इसका था मुहावरे का चंपत होना। चंपत होने का क्या मतलब है? भाग जाना। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका क्या होगा? भाग जाना। और इसका होगा हमारा बिल्कुल सही, चंपत यानी भाग गए, चंपत हो गए। यहाँ पे होगा टांग अड़ाना यानी रुकावट डालना, रुकावट डालना। इस पे वाक्य बनाते हैं हम, इस पे वाक्य बनाओ। आप जो वाक्य बना रहे हो अगर वो सही है तो आप अपने तरीके से वाक्य बना सकते हो, नहीं तो जो मैं वाक्य बना रहा हूँ उन्हें आप याद भी कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पे वाक्य बनाते हैं, किसी भले आदमी आदमी के काम में टांग अड़ाना अड़ाना ठीक ठीक बात नहीं नहीं है। तो बिल्कुल आसान है। 14 हमने कर लिया, और लिखते हैं 15। जितने ज़्यादा लिख पाएंगे उतनी अच्छी चीज़ें हैं, और उतने ही याद कर पाएंगे और उतने ही हम जान पाएंगे। तो 15 लिखो फूला ना समाना, फूला ना समाना। इस पे लिखो, तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत खुश होना, फूला ना समाना। बहुत खुश होना,
वाक्य बनाओ। इस पे सिंपल सा वाक्य क्या बनेगा? अंकुर कक्षा में प्रथम आया, प्रथम आया है, इसीलिए नहीं इसलिए। इसलिए फूला नहीं, समा समा रहा है। तो बिल्कुल आसान है, 15 तक हमने कर लिया, 16 भी करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, आप दो बार देख लेना आधे आधे टाइम में। तो मैं यहाँ पे तो पूरा ही करवा देता हूँ आपको। 16 लिखो, बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल, यहाँ पे हम सिंपल सा क्या है इसका अर्थ होगा? बहुत आसान काम। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी कि बहुत आसान काम। वाक्य लिखो इसके ऊपर। इस पे वाक्य बनाओ। इस ऊंचे खंभे पर, इस ऊंचे खंभे पर चढ़ना चढ़ना इस मदारी मदारी के बाएं हाथ का खेल है। एकदम आसान है और सारी चीज़ें आपको समझ भी आ रही है, तो और भी अच्छी चीज़ें हैं। और लिखवा देता हूँ मैं 17। अगला मुहावरा लिखो, नाक में दम करना। नाक में दम करने का क्या अर्थ है? तंग करना। तंग करना। वाक्य लिखो, इस पे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो अध्यापिका बोली, अध्यापिका बोली, आज तो तुम्हारी शैतानियाँ शैतानियाँ या फिर शैतानियों लिख लेते हैं, शैतानियों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। कर दिया है। 18 लिखते हैं अगला मुहावरा। यहाँ पे लिखो, हाथ बटाना। हाथ बटाना। इसका अर्थ लिखो, हाथ बटाना का सहायता करना। स-
सहायता करना। वाक्य लिखो, इस पे वाक्य बनाते हैं हम। मैं रसोई में इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे लिखो मैं रसोई में माँ के काम में हाथ बटाती हूँ। मैं रसोई में माँ के काम में हाथ बटाती हूँ, तो एकदम सिंपल है। अगला लिखो मुहावरा, हाथ मलना। 19 हाथ मलना, तो इसका क्या अर्थ होगा? पछताना, पछताना। इस पे वाक्य बनाए हम। वाक्य बनाओ इस पे, पहले मेहनत किए होते, पहले मेहनत किए होते तो बेहतर होता। होता अब हाथ मलना नहीं पड़ता। एकदम सिंपल सिंपल वाक्य हैं। 20 लिखो, 20 का मुहावरा क्या हम लिखे? होश उड़ जाना। होश उड़ जाना, इसका क्या अर्थ होता है? डर जाना। वाक्य क्या होगा इसका? इसका वाक्य देखो, डर जाने का, दरवाजा खोलते ही डरावने आदमी को देखकर राजू के होश उड़ गए। उड़ गए। 21 लिखो, में हम क्या लिखना चाहते हैं इस बार मुहावरा? इस बार लिखो दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, इसका क्या अर्थ होता है? हराना। इस पे वाक्य बनाओ। आज हमारे स्कूल ने क्रिकेट मैच में केंद्रीय विद्यालय के दांत
खट्टे कर दिए। तो एकदम सिंपल सा है ये तो वाक्य। 22 लिखो। चार चांद लगना, चार चांद लगना, इसका क्या अर्थ होगा? सुंदरता बढ़ाना, सुंदरता बढ़ाना। इस पे वाक्य बनाते हैं। तुमने तुमने गुलदस्ते को यहाँ सजाकर मेज पर चार चांद लगा दिया। या लगा दिए ये भी कह सकते हैं। अगला लिखते हैं हम 22 23 लिखो। मक्खी मारना, मक्खी मारना, इसका अर्थ क्या है? कुछ काम ना करना, कुछ काम ना करना। इसकी वाक्य बनाए। इसका वाक्य बनाओ। मक्खी मारना, रमेश आजकल घर में बैठा मक्खी मार रहा है। रमेश आज घर में बैठकर मक्खी मारा करता है, ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा वाक्य। तो उन वाक्यों को भी देखना भी है, पढ़ के वो सही लग रहा है या नहीं, या सीधा लिखते जाना है तो हमें देखना भी है, वो वाक्य सही लगना चाहिए। जैसे घर में बैठा मक्खी मारा करता है, हाँ ये बिल्कुल सही वाक्य है। रमेश आजकल घर में बैठा मक्खी मारा करता है। अब लिखो 24 के लिखो। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, इसका क्या मतलब होता है? बहुत शर्मिंदा होना, बहुत शर्मिंदा मिंदा होना। इस पे वाक्य बनाते हैं। तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे हम? तो लिखो ऐसा, अपनी अपनी करतूतों की कहानी, अपनी करतूतों की कहानी सरपंच के मुंह से सुनकर राघव पर घड़ों वो पानी पड़ गया, पड़ गया। तो काफ़ी हमने कर लिया, एक और कर लेते हैं लास्ट 25, ताकि 25 का तो हम इतना याद कर ही सके, इसमें जो भी आ जाए हम कर लेंगे एग्ज़ाम में। अगला लिखो, लोहा लेना,
लोहा लेना, इसका क्या होता है अर्थ? मुकाबला करना, मुकाबला। मुकाबला करना, इसके पे वाक्य बनाते हैं हम। राणा प्रताप ने शत्रु से वीरतापूर्वक लोहा लिया। ठीक है, तो ये तो आज हमने बहुत सारे यानी 25 काफ़ी टाइम लेकर हमने काफ़ी मुहावरे कर लिए हैं। इनको आपको इनका अर्थ, मुहावरे और इनके वाक्य, ये सभी आपको याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास मिलेंगे, अगले ट्यूशन में मिलेंगे, मतलब अगले ट्यूशन की क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए आज आपका होमवर्क यही है कि आज इन सभी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है विथ रिवाइज अकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।